और कोई मेरे पीछे से आपको डांटे और आपको मारे तो आप तुरंत मुझे बता देना, ओके? कि मेरे पेट नहीं पड़ा है क्योंकि इन्होंने 20 रुपए वाली दही खाई है और ये दही खा के नशे में हो गए हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बहुत दिन बाद और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं। सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मुझे आलस आ गया और फिर मैं सो गई और इस बदमाश ने मुझे 6:30 बजे उठा के मेरी नींद ख़राब करी। हमेशा छुट्टी वाले दिन ऐसी करता है ये और इसने आज भी ऐसी करा और उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर मुझसे उठना इतना मुश्किल हो गया, फिर मेरे को 12 बजे होश आया, उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा कि चलो ठीक है मैं उठ रही हूँ, मैं आने जा रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ये वो खाना निमकाना। तो मैं पूरा रेडी होकर खाना खा के नहा कर वहा कर फिर आके शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। एक रीज़न की वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी क्योंकि मुझे कुछ काम कराना था और अब वो फाइनली डिस्क्लोज होने वाला है कि मैंने क्या काम कराया है, तो वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेकिंग वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं घर पर नहीं होती थी, मैं ऑफिस होती थी तो मेरे पीछे से काम चलता रहा तो वो चीज़ बस नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बाकी मैंने कोशिश करी है सभी रिकॉर्ड करने की और आज मुझे बहुत सारा काम भी कराना है, डेकोरेशन करना है। छोटी ज्ञान बहुत सारा हो गया। तो ये मेरा बेटू है, इसका नाम मैंने बदल दिया है, इसका नाम सिम्बा नहीं है अब क्योंकि इसमें सिम्बा वाली कोई हरकतें नहीं है और सिम्बा 4 कुत्तों को अपने पीछे लगा के फिर खुद उनसे डर के भागता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके बेटू रख दिया। इसका नाम आसी बेटू है, ये बेटू है 4 महीने का और इसको कैमरे में आने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसको मना करा हुआ है कैमरे में आने के लिए, इसको मना किया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि इतने नशे में क्यों पड़ा है मेरा बेटू, ये नशे में इतनी पड़ा है क्योंकि इन्होंने 20 रुपए वाली दही खाई है और ये दही खा के नशे में हो गए हैं। इनको बहुत नींद आती है, फिर इनसे उठा नहीं जाता है और खा के इनकी चर्बी इतनी लग गई है, ये देखो इतनी चर्बी लग गई है इनकी इतनी। और इसकी एक और हरकत देख रहे हो, इस बदतमीज की, ये देख रहे हो तुम, देख रहे हो ये इसका 10वां 11वां पट्टा जो ये काट रहा है, मतलब ये हमेशा इसको इतने अच्छे अच्छे इतने मैंने इसकी बेल्ट ला दी है लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो अब मैं इसको फिर से नारियल की रस्सी में बांधूंगी, नारियल की रस्सी में, दिख रही है जरा, ऐसी हरकतें करके जो सोया जा रहा है ऐसी हरकतें करके सारी बेल्टें काट दी है। कहाँ से आती है बेल्ट सारी तेरी, बदतमीज। चलो तो मैं यहीं नहीं बैठी रहूँगी, मैं नीचे जाके दिखाती हूँ आपको क्या काम हो रहा है। अभी दिखाऊँ नहीं, बस एक दिन का और इंतज़ार है, एक दिन के इंतज़ार बाद फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी, अच्छे से ही बताऊँगी कैसे शुरुआत करी, कैसे काम स्टार्ट किया। और अभी भी दिखा सकती थी मैं बट कल कहूँगी तो फिर वीडियो वाली पहले अपलोड होगी, तो मतलब कल नहीं, मतलब बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी क्योंकि मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है और तो मैं वो दिखाऊंगी फिर उसमें भी काम चल रहा है। अरे यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऐसे बार बार जाऊंगी यहाँ से। बारिश के बाद इतना अंधेरा होने के बाद अब दिन निकला है, अब रोशनी हुई है। आप यहाँ कैसे आ गए, आप तो वहाँ पे सो रहे थे ना, कैसे आ गए आप यहाँ पर, अभी आधा चली गई क्या बेटा, आपकी आदत चली गई क्या, सोच चुपचाप हो गए गंदा बदतमीज। दिखाइए क्या लग रहा है, दिखा क्या लग रहा है, इतनी बार जगह चेंज करता है ये, इतनी बार कि तुम यहाँ सुला के जाओगे तो वहां सोता हुआ मिलेगा, फिर वहां सुला के जाओगे तो वहां सोता हुआ मिलेगा, वहां सुला के जाओगे तो यहाँ सोता मिलेगा, फिर यहाँ। चलो सो जाओ ठीक है, ओके बिट्टू, मैं नीचे काम करवा के आती हूँ, आप घर का ख्याल रखना और कोई मेरे पीछे से आपको डांटे और आपको मारे तो आप तुरंत मुझे बता देना, ओके ओके मेरे बेटू, ओके मेरे बेटू, ओके मेरे बेटू। बेटू गाने सुन रहे हो आप, हैं गाने सुन रहे हो आप, फिर से जगह चेंज हो गई आपकी एक सेकंड में, अभी वहाँ बैठा था ना दरवाजे पास, यहाँ आ गया, गाने देखो कितने दिल तोड़ दिए बेटू आपका। चलो तो देखो पहले ये कमरा ऐसा है ठीक है, फिर इसमें अब मैंने यहाँ पे काम कराया है तो यहाँ पे अभी सिर्फ मिरर लगे हैं और ये जो आप देख रहे हो ये वॉलपेपर आए हैं, तो मतलब ये भैया भी वॉलपेपर काम करेंगे और लगाएंगे, तो
इससे ये और अच्छा हो जाएगा फिटिंग। तो वॉल पेपर लग के डन हो गया है, चेयर्स भी आ गई है, मैट भी लग गया है, वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि वो मेरे पीछे से लगा। और फिर अब ये यहाँ पे एसी का काम कर रहे हैं, एसी की फिटिंग हो रही है। तो अभी भी काम चल रहा है, मैंने भी आपको दिखाया है कि कितना काम हो गया है, कितना काम रह गया है। बस एक दो काम रह गए हैं और उसके बाद मुझे टैम्पलेट छपवाने हैं, वो मैं आज छपा दूँगी। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं तो सोचे चाय बना लेते हैं, तो चलते मैं कल चाय बना। पर लेकिन कुछ खाने के लिए रखा है चीज़ें, तो मैं सोचा चाय बना के अभी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चाय मेरी बन रही है और मुझे बाहर जाकर सामान लाना था, मैं फटाफट लेके आती हूँ, मतलब समोसे भी ले आऊँगी साथ में। तो बेटा मैं अभी बाहर जा रही हूँ और आप घर का ख्याल रखना, ओके? ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। बारिश में समोसे, ये देखो ये बाहर गया था घूमने और देखो बारिश हुई, बारिश हो रही है बहुत तेज है, इसकी हालत देखो। कोई कुत्ता कुत्ते तेरा गीला नजर आ रहा है, है? जैसे तू गीला नजर आ रहा है, है? बदतमीज़, ये क्या हाल बना के आया है, सुखाने में भी इतना वक्त लगेगा मुझे, क्या खा क्या है, क्या पागल हो गया था बारिश देखकर, है? बच्चे बता रहे किचन में, वहाँ किचन में लेट लेट कर आए हैं, है गंदे किचन में लेट कर आए हैं गंदे, बुखार जाए तुझे वो करूँगी, वो कहा वो दे दो तोलिया के साथ करूँ से, मैं बैठे आराम से कांचो जो शक्ल बना के लाया अपनी, दिखा कर। गली मोहल्ले के और भी कुत्ते गए थे घूमने, तेरी जी शक्ल बना के लाया कोई है, दिखा इधर, चल दिखा, बैठ जा आराम से गंदा। देखो अभी भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 बजे पूरा हो जाएगा मेरा काम, जल्दी से काम हो जाएगा। तो छुट्टी का दिन हमेशा ऐसे ही चलता है, कोई ना कोई काम तो होते ही हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से आज मेरे काम डिले एक तो हुए हैं, लेकिन पूरे दिन बेकार ही जाता है किच 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 बारिश वगैरह। तो अभी उसको ऊपर से खा के आई हूँ मैं, उस मोटे को बदतमीज एक नंबर का, मैंने कहा मोमोज खा लेती हूँ, मेरी बहन ने मोमोज भिजवाए थे, अच्छा लगता है। हाउ वसीम, वैसे हम खाना नहीं चाहते ये सब चीज़ें, फिर भी लोग अगर खा रहे तो खा रहे हैं। जब वैसे स्कूटी चल रही है, तुम पानी में नहीं लगेगा, खाओगे खाओगे। ये देखो अभी कितना ज़्यादा काम मुझे फैला पड़ा है, अभी एसी लगा है और बाहर का फैन लग रहा है, तो यहाँ इतना ज़्यादा ये मुझे सफाई करनी है अभी, अभी यहाँ पे पर्दे की रोड भी लगेगी, तो मैं थक गई, अभी मैं बाहर से आ रही हूँ, बाहर से सामान लेके आई हूँ, उसका सारा काम कराया है और अभी यहाँ से सफाई करनी है मुझे। उसके बाद यहाँ पे ये एक और रैक लगेगा, कांगे और रैक कांगे, अच्छा अंदर लग गया वो शनि, ये अंदर नहीं है, तो वो रैक लगेगा। मैं कार्ड्स के लिए गई थी, कार्ड छपाने के लिए, तो ये सारा काम करना है आज, आज में फाइनल करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो बस। एंड अभी तो बहुत सारा काम रह रहा है, मतलब सफाई वगैरह रह रही, क्योंकि एसी ने इतना काम फैला दिया, इतना काम फैला दिया, कूड़ा गंदगी सब पेपर वगैरह फैले हुए हैं, वो सब साफ़ करना है मुझे। तो मैंने सोचा उसको क्या रिकॉर्ड करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ऊपर आके मैं घेवर खाने लगी थी, जो सावन के महीने में सबसे ज़्यादा फेमस स्वीट डिश, वो मिठाई, अच्छा नहीं है मत खाना आप, अच्छा नहीं है, तो आप मुँह मीठा कर लो और इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बाय। जाते जाते मैं तुम्हें इसकी डायरेक्शन दिखाती हूँ, ये जो इसकी नज़रें देख रहे हो ना आप, ये जो नज़रें देख रहे हो ना आप, ये पता है किस चीज़ की नज़र है, ये बदतमीज, मीठा थोड़ा ना खाते हैं डॉगी, मीठा थोड़ा ना खाते हैं।